नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कांग्रेस अब भी गुपकार गठबंधन का हिस्सा है, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। डीडीसी चुनाव भी कांग्रेस साथ लड़ेगी, ये बड़ी खबर। वो गुपकार गैंग जो लगातार तिरंगे से भी परहेज करता है, उसी गुपकार गैंग का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी, ये कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। कांग्रेस अब भी गुपकार गठबंधन का हिस्सा है, डीडीसी चुनाव भी कांग्रेस साथ लड़ेगी, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। संवाददाता फारूक वानी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। फारूक, पिछले कई दिन से इस तरीके से गुपकार की बैठकें चली, गुपकार गैंग का जो अपना एक साजिश भरा चेहरा बेनकाब हुआ वो सामने आया, लेकिन अब्दुल्ला का यह बयान डीडीसी के चुनाव कांग्रेस साथ लड़ेगी, गुपकार गैंग का अभी भी हिस्सा है कांग्रेस पार्टी। देखिए, जिस तरीके से पहले जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने कई तरह के बयान दिए और उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन जब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो गुपकार डिक्लेरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी हमारे साथ है, ऐसे में जम्मू कश्मीर में जो जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें वो भाग लेंगे। फिलहाल इस पर जो टिप्पणी है गुलाम अहमद मीर ने पूरी तरीके से ऑफिशियली नहीं की है, लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को लेकर जो कहा है कि जैसे कि केंद्र सरकार की ओर से जो गलत नीतियां तैयार की गई हैं और जिस तरीके से डिसीजन अब तक लिए गए हैं, कहीं ना कहीं गुपकार एजेंडे में वो शामिल हैं, तो वो भी उनसे दूर नहीं है। उनका उनकी प्राथमिकता भी यही रहेगी कि जिला परिषद के जो चुनाव जो 28 तारीख से शुरू होंगे उनमें वो खास तौर पर मुद्दे रहेंगे, उसको लेकर वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि उनके जो उनका जो समर्थन होगा वो सीधे तौर पर गुपकार डिक्लेरेशन के साथ होगा। हालांकि इसमें अभी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन का जो एजेंडा है वो सही है, उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले इन चुनावों में सीधे तौर पर अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हामी भर चुकी है गुपकार डिक्लेरेशन के साथ और आने वाले चुनाव में एलएनएस के साथ उठ सकती है। लेकिन उन्होंने साथ में कुछ अहम बातें की हैं, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयुक्त से भी कहा है कि वो सुरक्षा का जो इश्यू है, क्योंकि उनके कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं। फारूक, एक महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो भी एजेंडा है गुपकार गैंग का वो ठीक है, क्या ये एजेंडा ठीक है कि महबूबा मुफ्ती कहती है कि तिरंगा नहीं उठाएंगे, क्या ये महबूबा के अलावा अगर अब्दुल्ला कहते हैं कि चीन को निमंत्रण देते हैं आइए आप कश्मीर पर कब्जा करिए हम आपका साथ देंगे, क्या इसी एजेंडे के साथ चल रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पहले इस बात पर टिप्पणी कोई नहीं कर पाती थी, कई बार हमने भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये सारा जो है ये हमारी जो हाई कमान है वो डिसीजन लेगी क्या वो चुनाव में गुपकार के साथ एलायंस में उठेंगे या नहीं। लेकिन जब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आया है और उन्होंने कहा है कि वो इस सिलसिले में जो अध्यक्ष हैं उनके उनसे भी बात करेंगे तो वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है जिस तरीके से कांग्रेस ने भी घोषणा कर दी है कि वो इस डीडीसी चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन अभी तक उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है क्योंकि अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से उनकी बातें दोनों तरफ से आ रही है उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने भी हामी भर ली है और आने वाले इन जिला परिषद के चुनाव में एक साथ वो खड़े होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें कई सारी चीजें हैं जो अभी देख रही है, तो उसके बाद वो सुनिश्चित करेंगे, मे बी आज या कल एक दो दिन में वो स्टेटमेंट भी जारी करेंगे इसके हवाले से, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट का अभी भी इंतजार है। क्या कांग्रेस सही मानों में अब गुपकार एलायंस के साथ है या नहीं वो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो हमारे साथ है और जो हम स्टेटहुड की बातें कर रहे हैं केंद्र से वापस दिलाने की, जो यहाँ खासतौर पर जो अध्यक्ष हैं गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि जो जमीन जो भूमि है उसको लेकर वो जो कानून बनाए गए हैं उनके विरोध में रहेंगे और चुनाव में भी। फारूक को आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने विस्तार से जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का हाथ गुपकार गैंग के साथ कैसे नजर आ रहा है, इस बात को सीधे तौर पर सामने रख दिया है फारूक अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा है गुपकार गठबंधन का भी हिस्सा है कांग्रेस पार्टी और आने वाले चुनाव भी जो डीडीसी के चुनाव होंगे वो भी साथ लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। कभी तिरंगे का अपमान करते हैं, उन्होंने माहौल बना के रखा है वहाँ पर, ऐसा लोगों को दबा के रखा हुआ है,
बात नहीं करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते और पूरी दुनिया में कहते हैं कश्मीर में हालात सामान्य है। अगर सामान्य है तो प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं देते हो, आराम से बाहर आने क्यों नहीं देते हो? कभी पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं। आज फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी, आज फारूक अब्दुल्ला चीनी। अरे जरा आओ ना मेरे पास, मैं भी दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। और कभी धर्म की आड़ लेकर भावनाएं भड़काते हैं। अपने वतन में सारे हिंदुस्तान मुसलमानों को डर लगने लगा है। मैं ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूँ, उन्हें सबकी नजर से देखा जाए। ये गुपकार गैंग है जो धारा 370 हटने के बाद तिलमिलाया हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जिस 370 के सहारे राजनीति चल रही थी, अब वो धारा इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए गुपकार गैंग होश खो बैठा है। और गुपकार गैंग के साथ खड़ी है कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसका आला कमान दिल्ली में बैठा है। वही कांग्रेस जिसके नेता राहुल गांधी हर मौके पर बयान देते दिखते हैं। खुद फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस अब भी गुपकार गठबंधन का हिस्सा है। यही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने तो ये तक कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले DDC चुनाव भी कांग्रेस गुपकार गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष GA मीर ने मुझसे मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि हम DDC चुनाव साथ मिलकर लड़ रहे हैं। शनिवार को ही कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करेगी। और अब गुपकार गैंग के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस भी गुपकार गैंग के साथ है। हिंदुस्तान के झंडे का अपमान करने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। देश के लोगों को बरगलाने वाले गुपकार गैंग के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। राहुल गांधी खड़े हुए हैं देश के दुश्मन चीन से कश्मीर मसले में हस्तक्षेप करने की मांग करने वाले गुपकार गैंग के साथ। वही राहुल गांधी जो नोटबंदी के फैसले पर तो बढ़ चढ़ कर ट्वीट करते हैं, लेकिन गुपकार गैंग की देशद्रोही बातों को सुनकर भी बिल में दुबक जाते हैं। भले ही कांग्रेस गुपकार गैंग के साथ मिलकर DDC चुनाव लड़ने जा रही हो, लेकिन BJP आश्वस्त है कि DDC चुनाव में जीत उसी की होगी। और ये भी कह रही है कि जनता कांग्रेस की अगुवाई वाले गुपकार गैंग को सबक सिखाकर ही दम लेगी। रिपोर्ट, जी मीडिया।